नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। बिजली बिल का समय पर भुगतान करें, ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की अपील। लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हिस्लॉप कॉलेज रोड की घटना। और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 37 अपराधी के तड़ी पार, आदित्य मिरखेलकर का सहारनीय कार्य। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में कोयले की कमी हो गई है। एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार कोयले की किल्लत हुई है। बरसात के मौसम में कोयले का भंडारण किया जाता है, इससे बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। यदि बिजली प्रतिदिन उत्पन्न होती है तो यह 1 KMPC पानी चाहिए तो 17 दिन के लिए ही बिजली मिलती है। इस मामले में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि आंध्र प्रदेश में पूरे देश में 50% बिजली की कटौती हुई है। रमजान ईद और बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन की वजह से महाराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ है। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं तो आपको बिल का भुगतान करना होगा। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने बिजली बिल का समय पर भुगतान करें। सबका शेष ले सकता हूं पर धन का भेष नहीं ले सकता। बजट शुल्क का भुगतान महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। कोयले का शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, ये पहली बार नहीं तो दूसरी बार क्रिएट हुआ है। और वो कोयले के वजह से हर प्लांट के अंदर 1.5 दिन का 2 दिन का 3 दिन का ऐसा कोयला यहाँ पर उपलब्ध है। और साथ में बरसात आने वाली है, बरसात पे हमें स्टॉक करना पड़ता कोयले का, वो भी उसके लिए भी कोयला लगने वाला है। ये स्थिति के वजह से यहाँ पर बिजली मिलना थोड़ी सी दुश्वार हो गई है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे स्टेशन है, हाइड्रो पावर में कोयना में 17 TMC पानी अभी है। हर रोज अगर बिजली हम बनाते हैं तो उसको 1 TMC पानी लगता है, तो 17 दिन का ही बिजली हमको मिलेगा। साथ में जो बिजली के प्लांट चल रहे हैं वो फुल स्विंग में नहीं चल पाते कोयले के वजह से, इसलिए ओपन मार्केट से भी बिजली अगर हम खरीदने जाते हैं तो बिजली अवेलेबल नहीं है और उसके वजह से भी हमको असर पड़ता है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर हमने देश का अगर विचार किया तो देश में आंध्र प्रदेश ने 50% कट लगा दी है बिजली के ऊपर, और गुजरात ने एक दिन पूरी तरह से इंडस्ट्रीज का सप्लाई बंद कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। क्योंकि रमजान ईद चल रही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है, ये सब हम समझते हैं, बना कर दिया है वो प्रोटोकॉल के अनुसार। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉसेस है, जहाँ पे रिकवरी नहीं है हमारी और जहाँ चोरियाँ बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, ऐसी जगह पर हम यहाँ पर लोड शेडिंग चालू किए हैं। साथ में हमें ग्रामीण विकास और नगर विकास का भी पैसा मिलना अभी बाकी है, जो कि 9,000 करोड़ है। और पब्लिक में भी हम जब जाते हैं तो पब्लिक से भी जिस प्रकार से भुगतान होना चाहिए, जब बिजली आप यूज़ करते हैं उसका वापर करते हैं तो ऐसे वक्त बिजली का बिल भरना भी निहायत ज़रूरी होता है। तो मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से तमाम महाराष्ट्र की जनता को कि वे अपना बिजली का भुगतान समय पर करें, क्योंकि सारे तरह का ड्रामा हम कर सकते हैं लेकिन पैसे का ड्रामा हम नहीं कर सकते हैं। पैसा आखिर पैसा ही है और पैसे के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। आज ओपन मार्केट से बिजली खरीदने भी हम जाते हैं तो 6.5 रुपए से 12 रुपए तक के पर यूनिट उसका चार्ज हमें देना पड़ता है, और ऐसे वक्त हमारे पास पैसा नहीं होने की वजह से हम जो कर्जा लिया था वो कर्जा दूसरे बैंकों से उसका फेरफार करके हमने इंटरेस्ट कम करके
3500 करोड़ तो जमा लिया, बजट में जो बजटेड अमाउंट था वो महाराष्ट्र सरकार ने हमको दी है, लेकिन फिर भी ग्रामीण विकास और नगर विकास का पैसा अभी आना बाकी है। वो आ जाता है तो पैसे की हमारी ज़रूरत थोड़ी सी कम हो जाएगी और उससे मदद मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश है महाविकास सरकार की कि हम लोड शेडिंग नहीं करें, लेकिन कभी कभी मजबूर हो जाना पड़ता तो मजबूरी में हमें लोड शेडिंग कहीं करनी पड़ती है, तो उसका प्रोटोकॉल जो MERC ने लिया है उसके तहत हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। नागपुर में लड़कियों के दो ग्रुप में मारामारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 6 लड़कियां एक दूसरे को पीटती नजर आ रही है। पता चला है कि ये वीडियो हिस्लॉप कॉलेज रोड पर लिया गया है। इस मारपीट के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस बारे में पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है और इसीलिए मारपीट की वजह पर अभी भी पर्दा गिरा है। दोपहर में भीड़ भाड़ वाली जगह पर हुई घटना के बाद उपस्थित लोगों में से एक द्वारा ये वीडियो शूट किया गया और वर्तमान में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के SDPO आदित्य मिर्खेलकर ने उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर SDCP द्वारा दारवा थाने इलाके के 13 अपराधियों को तड़ीपार किया गया है। पुलिस अनुमंडल अधिकारियों ने नेर थाने के 4, लदाखेड़ थाने के 10 और दिगरा थाने के 10 समेत कुल 37 अपराधियों को तड़ीपार किया है। उपमंडल पुलिस अधिकारी आदित्य मिर्खेलकर और उनकी टीम ने CRPC की धारा 144 के तहत तत्काल कार्रवाई की है, क्योंकि त्यौहार जोरों पर है इसलिए हर जगह उनकी सराहना भी हो रही है। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्रे की रिपोर्ट। भाजपा नेता वीरेंद्र कुकरेजा के खिलाफ 3 युवकों और एक नाबालिग को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया था। इस मामले में फिरियादी ने अब सभी आरोपों को पीछे लिया है। आपसी समझौते में आरोपी ने विक्की कुकरेजा को सभी आरोपों से मुक्त किया है। वही गलत फहमी के चलते फिरियादी ने शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी है। मैं कैलाश केवल रमानी, कल मैंने एक विक्की कुकरेजा और उनके साथियों के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी, तो कल मेरे को कुछ मिसगाइड हुआ था, वो आज हमारे इस बैठक में मिसगाइड वो दूर हुआ है, तो उस कंप्लेंट को मैं अपनी वापस लेता हूँ और जो मैंने पुलिस में तकरार की है वो भी तकरार को भी वापस लेता हूँ। अभी हमारे आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं है, सारे डिस्प्यूट खत्म हो गए, ऐसा मैं बताता हूँ। नमस्कार, मैं विक्की कुकरेजा। कल मेरे और मेरे कुछ जो झूलेलाल महोत्सव में जो मेरे साथी वहाँ पर जुड़े हुए थे उनके बारे में समाज के कुछ लोगों ने शिकायत की थी। आज मैं हमारे पंचायत के और सभी हमारे प्रमुख व्यक्तियों के साथ में हमारे दादा विजय कुमार केवल रामानी जी के घर पे आया हूँ। कैलाश केवल रामानी जी, उनके बच्चों ने और उनके साथी जो लोग थे उन्होंने जो मेरे खिलाफ़ और हमारे साथियों के खिलाफ शिकायत की थी उसके बारे में सविस्तर चर्चा हुई और जो उनको कन्फ्यूजन्स थे वो सारे के सारे दूर किए गए और आपसी सहमति से मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने बयान में बोला है कि उन्होंने शिकायत वापस ली है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आगे हम साथ में मिलकर और अच्छा काम करेंगे ऐसी आशा करता हूँ, धन्यवाद। राज्य में GDP अर्थात सकल घरेलू उत्पाद के स्तर को लेकर राकपा ने भाजपा पर निशाना साधा है। राकपा के प्रदेश महासचिव शेखर सावर बांदे ने आंकड़ों के साथ दावा किया है कि 2014 के बाद राज्य में GDP दर घटती रही। 5 साल तक GDP पर जो प्रभाव पड़ा उसमें सुधार के प्रयास महाविकास अघाड़ी सरकार कर रही है। वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट के माध्यम से विकास दर को बूस्ट देने वाली योजनाएं लाई है। सोमवार को पत्रकार क्लब में आयोजित कार्यक्रम में सावर बांधे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य सरकार के बजट की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, परिवहन व उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया गया है। 2013 तक राज्य की GDP देश में सबसे अधिक थी, उसके बाद 5 साल में GDP 5वें स्थान पर पहुंच गई। महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद राज्य में आर्थिक सुधार के कार्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। कोविड संक्रमण काल में विकास दर सुधारने के लक्ष्य को पाया नहीं जा सका, लेकिन वर्ष 2021-22 में आर्थिक घाटे को कम करने का बड़ा प्रयास हुआ है। 2020-21 में आर्थिक घाटा 91,000 करोड़ था, 2021-22 में उसे 24,000 करोड़ तक लाया गया है। 11 मार्च 2022 रोजी
माननीय अजितदादा पवार यांनी विधानसभेमध्ये 2022-23 जो अंदाजित अर्थसंकल्प सादर केला त्या अर्थसंकल्पामध्ये जी काही पंचसूत्री दिली आहे त्याचं प्रेझेंटेशन ते समजावून सांगण्याच्या दृष्टीनं आजच्या या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन केलं आहे. आणि वास्तविक पाहता जसं आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये ज्याप्रमाणे पंचतत्व असते त्या पद्धतीनं पंचसूत्र अजितदादांनी विधानसभेसमोर मांडली. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, उद्योग आणि दळणवळण या 5 गोष्टी जर आपण महाराष्ट्रात मजबूत करू शकलो तर महाराष्ट्राचा GDP ज्याला आपण स्टेटचा GSDP म्हणतो वाढू शकतो अशा प्रकारची कल्पना अजितदादांनी त्या ठिकाणी मांडली. एकूण मागच्या वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे 90,000 कोटींनी तुटीत गेलेला अर्थसंकल्प ती तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला आहे आणि ती तूट साधारणतः 24,000 कोटीवर आणण्याचा मानस या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. या अर्थसंकल्पात या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून ज्या विविध योजना, लोकोपयोगी विविध योजना ग्रामीण विकासासाठी ज्या राबवण्यात आल्या आहे, वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या लोकांसाठी राबवण्यात आल्या आहे, त्या सगळ्यांचं सविस्तर वर्णन या या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी आम्ही करत आहो. आणि अशा प्रकारे हा जो अर्थसंकल्प आहे लोकांना 22-23 या वर्षामध्ये काय काय देणार आहे याची सविस्तर माहिती आज या ठिकाणी सादर होत आहे. मला अतिशय आनंद आहे की अजितदादांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प दूरदृष्टीचा अर्थसंकल्प आहे आणि हा साधारणतः पुढल्या वर्षी 2023-24 किंवा 24-25 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत या अर्थसंकल्प जाईल अशा प्रकारची व्यवस्था होईल. आणि महाराष्ट्र हे या देशातील पहिलं राज्य असेल की ज्यांचा अर्थसंकल्प किंवा ज्यांचं या अर्थसंकल्पामधला जो पाया आहे तो 1 ट्रिलियन डॉलरचा असेल. आणि अशा प्रकारचा हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रात सादर झाला त्याचं आज या ठिकाणी प्रेझेंटेशन. सावरपांडेने दावा किया की महाराष्ट्र जल्द ही देश में सबसे अधिक आय पाने वाला राज्य बन जाएगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता राकपा के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने की. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज, नागपुर. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की धूम हर गली, मोहल्ले और हर कस्बे में दिखी. इसी श्रृंखला में सोमवार को बजरंगी स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई. इस दरमियान बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे. इस दरमियान पार्षद दिव्या धुरडी ने भी अधिक जानकारी साझा की. हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था. भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है. धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था. मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है. इसी श्रृंखला में सोमवार को बजरंगी स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई. आयोजक नितिन शिमले की संकल्पना से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे. प्रभु श्री रामचंद्र जन्मदिन उत्सव हा रामनवमी शोभा यात्रे मध्ये आणखी एक शोभा यात्रा सहभागी तो ये पूर्ण बजरंगी मित्र परिवारा की शोभा यात्रा है. आणखी ही शोभा यात्रा हा प्रत्येक माणसाच्या व्यक्ति म्हणजे मनातली एक राम की झलक आणि एक शोभा यात्रा ही एका चौकातून नाही तर ही हर एक चौकातून निघेल. कारण की आता हिंदू जागृत झालेला आहे. आणखी रामाचं राम मंदिर अयोध्या जे जागी जे तयार झाली म्हणजे त्या मोदीजीच्या कार्यात आपलं राम मंदिर तयार झालं. सर्व पूर्ण हर्षोल्लासात हिंदू समाज प्रत्येक जागेवर राम मंदिराची झाकी काढत. झाकी कुठे कुठे घेऊन आले? आमची झाकी जुनी शुक्रवारी ते सक्करदरा चौक, तिरंगा चौक, त्यानंतर शारदा चौक, मयूर मंगल कार्यालयापासून तर वापस नागनदी पुलावरून आपल्या जुनी शुक्रवारीचं समापन ही बजरंगी स्पोर्ट अकॅडमीची शोभायात्रा. मी माझं नाव नितीन शिमले राहणार जुनी शुक्रवारी प्रभाग 31 संयोजक पदावर आहे. आणखी बजरंगी स्पोर्ट अकॅडमी मी संस्थापक आहे. हर साल के तरह इस साल भी भव्य दिव्य शोभायात्रा का आयोजन बजरंगी अकेडमी के माध्यम से नितिन जी शिमले और उनके पूरे मित्र परिवार की ओर से इस साल भी यह आयोजन किया जा रहा है. हर साल यहाँ महाप्रसाद का भव्य आयोजन होता था, पालखी का भी आयोजन होता था. इस साल शोभायात्रा वातावरण बनाना हमारे समाज में एक अच्छा वातावरण बने
और आने वाली पीढ़ी को अपने सब राम लक्ष्मण सीता सभी अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है उसकी जानकारी मिले, यह वातावरण बने, इस भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील बजरंगी स्पोर्ट्स अकादमी तर्फे ही शोभायात्रेचं आयोजन केलेलं आहे। याचं आयोजन नितीनजी सिमले यांनी केलेलं आहे। भारतीय नववर्षाचा सण श्रीराम जन्मोत्सव नागपूर शहरामध्ये मोठ्या उत्सवाने साजरा केला जात आहे। 2 वर्ष कोरोना काळामध्ये हा कार्यक्रम झालेला नाहीये, परंतु या वर्षी पूर्ण शहरामध्ये मोठ्या भक्तिभावाने श्रीराम जन्मोत्सव साजरा होत आहे आणि थोड्याच वेळात इथनं भव्य शोभायात्रेचं आयोजन आपल्या सर्वांच्या वतीने आणि नितीन भाऊ सिमले यांच्या वतीने होत आहे। मी सर्वांना श्रीराम जन्मोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। जय श्रीराम। जय श्रीराम। मी सौ दिव्या दीपक धुर्डे, नगरसेविका, प्रभाग क्रमांक 27। बता दें कि ये शोभा यात्रा जुनी शुक्रवारी से होकर सकरदरा चौक, तिरंगा चौक, शारदा चौक और मयूर मंगल कार्यालय से गुजरकर फिर जुनी शुक्रवारी पहुंची। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। दि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर तथा समदृष्टि क्षमता एवं मंडल के संयुक्त उपक्रम द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए रेडियो चैनल रेडियो अक्ष स्थापित किया गया है। ऐसी जानकारी सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस दौरान बताया गया कि रेडियो का खुद का एक ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध किया गया है। इस वक्त बताया गया कि इस रेडियो ऐप से अंध दिव्यांगों को पढ़ाई के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने में मदद मिलेगी। रेडियो अक्ष एक तरह का ऐप है, इसे सुनने के लिए हेडफोन या ईयरफोन पहनने की जरूरत नहीं होगी। यह रेडियो ऐप अंध दिव्यांगों को निःशुल्क दिया जाएगा। नई तकनीक से अंध दिव्यांगों को शैक्षिक और अन्य सामग्री, सूचना, मनोरंजन आदि ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं। इसके लिए ऑडियो बुक लाइब्रेरी में जाए बिना कहीं से भी ऑडियो पुस्तकों तक पहुँचना संभव होगा। उल्लेखनीय है कि ऑडियो बुक्स बेल लिपि की सुविधा दिव्यांगों को पहले से ही मिल रही है। आजपर्यंत अंध मुला जे शिकत होते ते ब्रेल पुस्तकावरून शिकत होते। जसजशी टेक्नॉलॉजी बदलत गेली तर टेक्नॉलॉजीचा वापर करत करत मोबाईल वापरायला लागले। आत्ता जसं शिरीजीने सांगितलं की आपण एक अब्रार नावाचं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं होतं, जेवढे ऑडिओ कंटेंट आपण तयार करायचो ते मेमरी कार्डमध्ये रेकॉर्ड करून त्या अब्रार नावाच्या इन्स्ट्रुमेंटला इन्सर्ट करून ते हेडफोन लावून चालता बोलता अभ्यास करू शकत होते। जसजशी टेक्नॉलॉजी बदलत गेली तर कोरोना काळामध्ये अभ्यासापासून पोरं खूप दूर गेले, कारण नागपूर शहराच्या आसपास गावामधले पोरं होते सगळे, तर ते त्यांचा अभ्यासात फार व्यत्यय आला, व्यवस्थित अभ्यास करू शकले नाही। पण तरी देखील या कोरोना काळामध्ये सर्व पोरं स्मार्टफोन कसा वापरायचा शिकायला लागले। आपल्या शाळेतून त्यांना ऑनलाईन टीचिंग पण झालेलं होतं आणि जेव्हा लक्षात आलं की हे सगळे पोरं इंटरनेट आणि स्मार्टफोन चांगला वापरू लागले तेव्हा आम्ही आणि शिरीजीने असं ठरवलं की यांच्याकरता यांच्या घरी बसल्या बसल्या यांना सगळे कंटेंट जे आहे अभ्यासाचे, इतर साहित्याचे, हे कंटेंट पोचवता आलं पाहिजे आणि म्हणून आम्ही हा अक्ष नावाचा रेडिओ इंटरनेट चॅनल चालू करायचं ठरवलं। कार्यक्रमाचं उद्घाटन उद्या संध्याकाळी 6:30 याच अंधविद्यालयाच्या परिसरातील नवदृष्टी सभागृहात 6:30 होणार आहे। याच्याकरता मेन अध्यक्ष जे आहे, उद्घाटक जे आहे, ते राहुल पांडे जे इन्फॉर्मेशन कमिशनर आहेत, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आहेत, आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून नागपूर महानगराचे सहसंघचालक श्री श्रीधरराव गाडगे हे राहणार आहेत। मी मकरंद वसंतराव पांढरी पांडे, दि ब्लाइंड रिलीफ असोसिएशन अध्यक्ष। दि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मकरंद पंडरी पांडे के अनुसार 25 मार्च से ही रेडियो के पंजीकरण और मोबाइल ऐप के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। प्रारंभ में कुछ दिनों तक कुल 6 घंटे तक इसका प्रसारण होगा। एक बार शेड्यूल तय हो जाने के बाद इसे दिन में 12 घंटे प्रसारित किया जाएगा और 24 घंटे में दोबारा भी प्रसारित किया जाएगा। प्रत्येक विषय की ऑडियो क्लिप के बाद स्टेशन आईडी की ऑडियो क्लिप चलाई जाएगी। स्टेशन आईडी है, आप सुन रहे हैं रेडियो अक्ष, अंध दिव्यांगों का अपना रेडियो चैनल। शुरू में प्रसारण का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश डंगीटवार के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर। खबरों के सिलसिले में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले,
खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। महावीर जन्म कल्याण महामहोत्सव के पावन पर्व पर श्री जैन सेवा मंडल द्वारा करण कोठारी ज्वेलर्स अहिंसा अवार्ड एवं प्रश्न मंजूषा का भव्य आयोजन कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशमबाग नागपुर में 14 अप्रैल को किया जा रहा है। ऐसी जानकारी जैन सेवा मंडल की ओर से सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। जैन सेवा मंडल के तत्वाधान में तथा करण कोठारी ज्वेलर्स द्वारा पुरस्कृत इस अहिंसा अवार्ड एवं प्रश्न मंजूषा कार्यक्रम में जिन भाई बहनों ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक सुंदर कार्य किए हैं, उन्हें इस अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही भगवान महावीर का जीवन परिचय इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शाने का भी मानस है। वहीं इस कार्यक्रम के तहत कुल 9 अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें 2 अवार्ड विदर्भ स्तरीय है। ऐसी जानकारी सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। मंडल नागपुर के समस्त जैन समाज की ये संस्था है, लगातार 75 वर्षों से ये कार्य कर रही है। हमारे जैन सेवा मंडल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसके अंदर में कुछ जो है एक भावतीर्थ यात्रा होती है, जिसमें नागपुर के सभी जैन मंदिर, इतवारी क्षेत्र के जो जैन मंदिर है वहाँ पर जा करके भगवान के दर्शन करने की एक यात्रा होती है, वो यात्रा हमने पूरी करी। उसके बाद में सेकेंड हमारी हुई है कार स्कूटर रैली, जो पूरे नागपुर के अंदर में जितने भी जैन मंदिर है, चाहे वो धर्मपेट में हो, रामदासपेट के अंदर में हो, सदर में हो, पार्टी में हो, सूर्यनगर में हो, उन सब मंदिरों की एक यात्रा हमारी वो भी संपन्न हो चुकी है। आज एक हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा है, उसमें से आज से कार्यक्रम हमारे 4 दिन के लगातार सुरेश भट्ट सभागृह में होने वाले हैं। और मेन जो हमारा कार्यक्रम है महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का, 14 तारीख को सवेरे श्री परवारपुरा दिगंबर जैन मंदिर से भगवान महावीर का जन्म कल्याणक की रथ यात्रा वहाँ से निकलेंगी, जो इतवारी शहीद जो महल कल्याणेश्वर मंदिर होते हुए रेशमबाग सुरेश भट्ट सभागृह में जाएंगी। वहाँ भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक होगा, पूजन होगा, नागपुर में जो भी विराजित संत सती रहेंगे उनका वहाँ पर प्रवचन होगा, और प्रवचन के पश्चात मांगलिक लेने के पश्चात वो कार्यक्रम वहाँ पर अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद में कार्यक्रम समाप्त होगा, और वहीं पर ही जैन समाज के लोगों के सभी लोगों के लिए जो वहाँ पर आगंतुक है उनके प्रसाद की व्यवस्था भी वहाँ पर की हुई है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय रक्ताटे, मुख्य अतिथि सुरेश कोठारी, प्रदीप कोठारी, विशेष अतिथि निर्भय जैन और डॉक्टर सिद्धार्थ जैन उपस्थित रहेंगे। एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ उसी के प्रेमी ने पहले प्रेम संबंध, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाकर उसका शारीरिक शोषण करने की घटना कलमना पुलिस थाना अंतर्गत सामने आई। इस संदर्भ में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ऐसी जानकारी पुलिस उपायुक्त मनीष कलवानिया ने दी। कल हमको एक माहिती मिली थी कि एक 14 साल की लड़की है, उसके साथ में एक लड़का है, उसने कुछ दुष्कर्म किया है। ये माहिती मिलने पर हमने त्वरित पुलिस स्टेशन की टीम रवाना की गई, और जो आरोपी है उसको रात में ही ताबे में लिया गया था,
और उसके साथ पूछताछ की गई। पूछताछ करने पे सामने आया कि वो लड़की के साथ में पिछले कुछ दिनों से लड़के के संबंध थे और उसके बाद में ये लड़के ने उसके साथ में दुष्कर्म किया है, ऐसा प्राथमिक माहिती है। इसके आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है, आरोपी हमारे ताबे में है और आगे की पूछताछ चालू है। और डेफिनेटली अगर कोई बच्ची जो 18 साल की कम की बच्ची है या उसके ऊपर की भी कोई लड़की है जो परेशान है या किसी कारण से घर में बात नहीं कर रही है या ज़्यादा समय दोस्तों के यहाँ बिता रही है, ऐसा कुछ अनयूजुअल चीज़ें अगर कुछ कर रही है तो उसके पेरेंट्स को इमीडिएटली उसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन आना चाहिए उन्हें। हमारे काउंसलर्स रहते हैं, हमारी महिला पुलिस रहती है, महिला अधिकारी रहती है, वो उनके साथ में बात करके उनका काउंसलिंग कर सकती है और उनको जो कुछ अड़चन है वो दूर की जा सकती है। तो ऐसा कुछ भी अगर अनयूजुअल दिखे तो प्लीज़ आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए। भाजपा OBC महामोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव प्रतापगढ़ से सांसद सुंदरलाल गुप्ता नागपुर में कार्यक्रम के लिए आए, जिस दौरान उन्होंने OBC महामोर्चा के कार्यकर्ताओं को भेंट दी। वहीं इस वक्त राष्ट्रीय OBC महासंघ के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने OBC आरक्षण को लेकर निवेदन किया कि OBC को न्याय और हक दिलाने की प्रयास करें। OBC आरक्षण को लेकर निवेदन में देश के 60% OBC लोगों को आरक्षण और उनका हक मिले ऐसी मांग की गई। वहीं प्रतापगढ़ के सांसद को ये मुद्दा उठाने की अपील की। वहीं इस दरमियान भाजपा OBC महामोर्चा के मंत्री ने भी सभी मुद्दों पर जल्द से जल्द कोई निर्णय निकालने का आश्वासन दिया। जय OBC, आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा OBC मोर्चा के महामंत्री आदरणीय मेरे मित्रवर मेरे स्वजातीय बंधु उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से सांसद आज नागपुर पार्टी के कार्यक्रम से नागपुर में आए थे। उन्होंने हमारे निवास स्थान पे सदिच्छा भेंट दी और राष्ट्रीय OBC युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने राष्ट्रीय OBC महासंघ की ओर से उनको एक निवेदन दिया और हमने उनसे गुजारिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और केंद्र में आप सांसद हैं, आपने संसद में जो OBC देश का 60% OBC है उनकी जो मांगे हैं उनको जो 27% आरक्षण राजकीय आरक्षण मिलना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पा रहा है और आपकी केंद्र में सरकार है तो आप वहाँ पर ये मुद्दा जरूर संसद में उठाइए और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इनसे भी हमने विनती की कि आप भी उनके साथ में चर्चा करके ये देश में जो 60% OBC समुदाय है जिनकी न्याय और हक की लड़ाई राष्ट्रीय OBC महासंघ की ओर से लड़ी जा रही है आप भी इसका साथ दीजिए और OBC को न्याय और हक दिलाने के लिए आप प्रयास करें, ऐसा हमने उनको निवेदन दिया है। और जो भी हमारे राष्ट्रीय OBC महासंघ की ओर से जो हमारी मांगे हैं वो सब मांगे वो निवेदन के अंदर में दी है, केंद्र शासन और राज्य शासन से भी संबंधित है, हमने केंद्र शासन के संबंधित जो मांगे थी वो उनको दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम इसके ऊपर में गौर करते हैं और OBC ही नहीं तो माइक्रो OBC को ही भारतीय जनता पार्टी न्याय दिलाने के हक में और पक्ष में है, ऐसा उन्होंने हमारे से आश्वस्त किया। और ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द OBC मंत्रालय और जो OBC की मांगे है वो मांगों के ऊपर में सदन में इसके ऊपर में चर्चा करने का हमें आश्वासन दिया। देखिए OBC समाज को पूरे देश में चाहे महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो आज़ादी के 70 साल के बाद इस देश में कांग्रेस ने राज किया और कभी OBC समाज को पूछा नहीं, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद जब से उन्होंने इस देश की बागडोर संभाला OBC समाज को सम्मान और जहां भी हमारी सरकारें बनी हैं चाहे उत्तर प्रदेश का ले लीजिए चाहे केंद्र की सरकार तो समाज के हर तबके को जैसे एक गुलदस्ते में हर तरह का फूल होता है और तब जाके वो गुलदस्ता की सुंदरता बढ़ती है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लोगों को
एक गुलदस्ते में हर तरह के फूल को सजाती है और तब जाके भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में सरकार बनाती है। तो हर समाज को लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी है और हर समाज का सम्मान, हर समाज के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व देना, सरकार में भागीदारी देना और उनको सम्मान देना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है। अभी जो हमको निवेदन दिया गया है हम उसमें देखेंगे, क्योंकि हमारी सरकार, भारत सरकार, ओबीसी जो मंत्रालय है, बहुत सारी योजनाएं उसमें चलाई जाती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है कि शोषित वंचित समाज जो है उसको उत्थान कैसे हो, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, और जहाँ भी जिस समाज के लिए जो समस्याएं होंगी, ओबीसी समाज के बहुत सारी समाज ऐसे हैं कि आज जो वंचित हैं उनको जोड़कर भारतीय जनता पार्टी, इसी के लिए ओबीसी मोर्चा, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ही ओबीसी मोर्चा 2015 में गठन हुआ और ओबीसी मोर्चा पूरे देश में काम कर रहा है और एक बहुत बड़ा समाज है ओबीसी का जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। तो ओबीसी का महत्व, ओबीसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में सम्मान भी बढ़ रहा है और ओबीसी का नेतृत्व भी बढ़ रहा है। ई रिक्शा चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में शांतिनगर पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी का नाम मनीष सुरेंद्र यादव बताया गया। शराब लेने के लिए पैसे नहीं होने के चलते आरोपी द्वारा ई रिक्शा चुराने की जानकारी मिली है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जाँच जारी है। सदर गुन्ह्यामध्ये फिर्यादी सय्यद मुशीक अली याने तक्रार केली की बा त्याच्या त्याचं सिलिंगचं काम आहे आणि त्याने एका ग्राहकाने EMI भरली नसल्याने त्यांनी तो ई रिक्षा सीज केलेला होता आणि आपल्या घरासमोर उभा केला होता। तर तो ई रिक्षा कोणीतरी अज्ञात चोराने चोरून नेलेला होता। त्याचे CCTV फुटेज आम्हाला प्राप्त झाले, आम्ही त्याचा शोध घेतला। गुप्त बातमीदाराकडून आम्हाला माहिती मिळाली की आरोपी अशा अशा ठिकाणी आहे, करता आम्ही स्टॉप राजेश चंदेल मेजर सचिन खडसे असे गेलो असता तो आरोपी त्या ठिकाणी आम्हाला मिळून आला। आरोपीचं नाव मनीष सुरेंद्र यादव, शांतीनगर हनुमान मंदिरजवळ राहतो। त्याला आम्ही शेतातून अटक केली आणि ज्याला विचारपूस केली असता त्याने एका गुन्हा केल्याचे कबूल केले, त्याच्याकडून आम्ही ही रिक्षा जप्त केलेला आहे। त्याच्याविरुद्ध हा एकच गुन्हे दाखल आहे आणि मनीष सुरेंद्र यादव त्याचे नाव आहे आणि शांतीनगर हद्दीमध्ये तो राहतो। तो दारू पिण्याचा व्यसनाधीन आहे, तो दारू पिण्यासाठीच आपला खर्च भागवण्यासाठी त्यांनी रिक्षा चोरी केलेला आहे। पैसों के विवाद के चलते हत्या की योजना बना रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में NCB पथक को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही एक आरोपी अभी भी फरार है जिसकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे ने दी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि सिल्लेवाड़ा तामसवारी इलाके में एक व्यक्ति द्वारा पिस्टल फायर की गई है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी श्रीकांत नारनवरे के घर की जांच की, जिसमें उन्हें एक पिस्टल और 5 कारतूस मिले। श्रीकांत से कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उसने बताया कि आरोपी सागर सहारे और आरोपी प्रतीक चौरे से उसने ये पिस्तौल ली है और उन्हीं के साथ मिलकर उसने पिस्तौल फायर की थी, जिसके पश्चात पुलिस ने आरोपी प्रतीक को हिरासत में लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि कृष्णा यादव नामक व्यक्ति से उनका पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और इसीलिए उन्होंने ये पिस्तौल लाई थी। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश कोकाटे ने अधिक जानकारी साझा की। आमचे NCB एपीआय राऊत यांचं पथक माननीय पोलीस अधीक्षक श्री मगर साहेब यांच्या मार्गदर्शनात कनानेतील घरपुडीचा तपास करीत असताना त्यांना माहिती मिळाली की पारशिवनी एरियात श्रीकांत प्रल्हाद नारनवरे, प्रतीक लीलाधर चौरे यांच्याकडे एक वेपन आहे आणि त्या वेपनमधून त्यांनी 2 राऊंड मिस फायरसुद्धा केलेले आहेत, म्हणजे फायर होते की नाही हे बघण्यासाठी। तर त्या माहितीवरून त्यांनी श्रीकांत नारनवरे याच्या घराची झडती घेतली, त्यामध्ये त्यांना एक मावजर मिळालेल्या माहितीप्रमाणे आणि 5 जिवंत कारतूस मिळाले। तर त्यानंतर त्याच्या माहितीवरून प्रतीक लीलाधर चौरे याला ताब्यात घेतलं। त्यांनी सांगितलं की सागर सहारे जो दहेगाव जोशीचा आहे त्यांनी ते वेपन आणलेलं आहे। सागर सहारेचा शोध घेतला असता तो मिळून आला नाही। वेपन 4 राऊंड हे जप्त करण्यात आलेले आहेत। अधिक माहिती घेता त्यामध्ये 5 राऊंड
अधिक माहिती घेता त्याने कृष्णा यादव जो आहे त्या त्याच्या आणि यांची दुश्मनी असल्यामुळे त्याचा काहीतरी बदला घेण्यासाठी सदर वेपन आणल्याची माहिती मिळालेली आहे तपासामध्ये. सागर सहारे मिळाल्यानंतर इतरही गोष्टी त्यामध्ये निष्पन्न होतील. संपूर्ण कारवाई ही माननीय एस पी साहेब श्री विजय मगर साहेब यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आलेली आहे. पुढील तपास सुरू आहे. ये पिस्तल कहां से लाई गई है इसकी जानकारी आरोपी सागर सहारे ही दे सकता है, जिसके चलते पुलिस सागर की तलाश में जुटी हुई है. हालांकि पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से निश्चित ही बड़ी अनहोनी होने से टली है. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज, नागपुर. श्री राम जन्मोत्सव जो की कोरोना महामारी के कारण 2 साल शांततापूर्वक मनाया गया था, पर इस साल कोरोना महामारी कम होने की वजह से उत्साह और पारंपरिक तरीके से मनाया गया. अबीर गुलाल के साथ दोपहर ठीक 12 बजे रामटेक के राम मंदिर, जिसे विदर्भ का अयोध्या भी कहा जाता है, यहां श्री राम जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया और जय श्री राम का जाप किया गया. जय श्री राम के नारों से रामनगरी गूंज उठी. पनापोई और महाप्रसाद का भी आयोजन सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया था. इस समय राम भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस मौके पर रामनगरी को केसर के पत्तों से सजाया गया. जुलूस में पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी, दिलीप देशमुख और अन्य भक्तों ने भाग लिया. वीकेबी न्यूज के लिए रामटेक से सुषमा मर्जदीवी की रिपोर्ट. ग्राम पंचायत बोटिया पालोरा में कर्मयोग तालुका रामटेक और ग्राम पंचायत बोटिया पालोरा में आर्ट ऑफ लिविंग युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम बोटिया पालोरा पवनी द्वारा संयुक्त रूप से आर्ट ऑफ लिविंग युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस भव्य मैराथन प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि दूधराम सवालाखे की उपस्थिति में हुआ. जिला परिषद सदस्य दूधराम सवालाखे ने कहा कि जल्द ही क्षेत्र में खेल परिसर स्थापित किया जाएगा. इस वक्त विजेता को शील व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. जिला परिषद सदस्य शांता कुंभारे, हरीश उइके, बेल्डा सरपंच उमेश भंडारकर एवं बोठिया पालोरा ग्राम पंचायत के सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे. वीकेबी न्यूज के लिए रामटेक से सुषमा मर्जीवी की रिपोर्ट. वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम शो में फिलहाल के लिए इतना ही. ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.